आदरणीय गुरुजनों, रसिकजनों व प्यारे बच्चों, आज हम एक नई एपिसोड में आओ सुने कहानी की आपका पुनः स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। इस एपिसोड में हम जिस सूफी कवि, इतिहासकार और संगीतकार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया, गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया। और वो संत हैं, वो कवि हैं, सूफी हैं, अमीर खुसरो साहब। और इस कहानी को बताने के लिए जो शख्सियत, कहानीकार हमारे साथ हैं, वो हैं प्रदीप शर्मा। और वो एक स्वतंत्र रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं अमीर खुसरो साहब पर, और उनसे इस कदर प्रभावित हैं कि उन्होंने अपना उपनाम भी प्रदीप शर्मा खुसरो ही रखा है। प्रदीप शर्मा खुसरो के पास लगभग 3000 अपने व्यक्तिगत कलेक्शन में अमीर खुसरो पर पत्र पत्रिकाएं हैं, 100 से भी ज़्यादा ग्रामोफोन रिकॉर्ड हैं, डीवीडीज़ हैं और 200 से भी ज़्यादा डाक टिकट, बुकलेट आदि हैं। प्रदीप ने बहुत ही तन्मयता के साथ उनकी जो कलेक्शन है उसको रिच किया है, और विभिन्न देशों से जहाँ से भी उनको अमीर खुसरो पर कोई भी सामग्री मिली उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने एकत्रित किया है। काफ़ी अच्छा शोध कर रहे हैं, काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़े रहे, न्यूज़पेपर्स में भी लिखते रहे, और अभी उन्होंने कुछ 10 के करीब पुस्तकें अमीर खुसरो साहब पर भी लिखी हैं। आज हम इनको यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं आओ सुने कहानी में, और इन्होंने CCRT के लिए भी हमारी जो सीरीज़ है सांझी संस्कृति के निर्माता, उस पर अब्दुल रहीम खाने खाना साहब पर पुस्तक लिखी है। हमारी उम्मीद है कि आपको अमीर खुसरो साहब की ये कहानी, प्रदीप शर्मा खुसरो की जबानी, बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं एक बार फिर CCRT की लाइब्रेरी में, जहां पर आपके सामने उपस्थित होंगे प्रदीप शर्मा खुसरो, अमीर खुसरो साहब की कहानी सुनाने के लिए। तो वो देखकर बड़े हैरत हो गए कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने उनको अमीर खुसरो का खमसा भेंट किया था, जो कि उन्होंने 13वीं शताब्दी में लिखा था। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रदीप शर्मा खुसरो है। सन 2000 से अमीर खुसरो पर रिसर्च कर रहा हूँ,
तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अमीर खुसरो कौन थे और भारतीय संगीत और संस्कृति से उनका क्या संबंध रहा। अमीर खुसरो 1253 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे पटियाली में पैदा हुए थे और इनके पिता अमीर सैफुद्दीन चंगेज़ खां के दौर में अफ़गानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान आए थे और बलबन जो कि उस ज़माने का दिल्ली का सुल्तान था और अमीर खुसरो उनकी तीसरी संतान थे। बचपन से ही अमीर खुसरो को घुड़सवारी और शस्त्र और अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों का अध्ययन करने को मिला। इनकी जो माँ थी माया देवी वो राजस्थान के एक राजपूत परिवार से थी और इसी वजह से बचपन में इनके नाना ने इनको रामायण महाभारत गीता उपनिषद वेद और संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया। जब अमीर खुसरो नौजवान हुए तो वो पूर्ण रूप से एक फारसी के संस्कृत के हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं जैसे कि ब्रज अवधि इसके वो लेखक और कवि बने और अपने नाना की मृत्यु के पश्चात वो उनकी जगह बलबन के दरबार में एक शाही कवि और संगीतकार की हैसियत से काम करने लगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अमीर खुसरो का अमूल्य योगदान है और उनको संगीत की जो शिक्षा प्राप्त हुई वो बचपन में अपने घर से और फिर उनके जो गुरु थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उनकी जो मोनेस्ट्री थी और उस ज़माने में कव्वाली गायन की प्रथा बहुत ही प्रचलित थी जो कि 11वीं शताब्दी से चली आ रही थी सीमा के रूप में। अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली में कई ग्रंथ लिखे और फारसी में भी उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें उन्होंने हिंदी भाषा का उपयोग किया है। अमीर खुसरो के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके नाम हैं मसनवी नूसपहर, मसनवी दवल रानी खिजर खां, मसनवी तुगलकनामा, मसनवी शीरी व खुसरो, आयनाए सिकंदरी, एजाज़ खुसरवी और हिंदी में भगवान कृष्ण के ऊपर इन्होंने अवधि में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है हालाते कन्हैया व कृष्णा। अगर हम अमीर खुसरो को पूर्ण रूप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वो 13वीं और 14वीं शताब्दी के एक हिंदी फारसी अरबी के कवि लेखक संगीतकार नृत्यकार वो नृत्य में भी पारंगत थे और शब्दकोशकार। उन्होंने एक शब्दकोश लिखा था खालिक बारी और बच्चों के लिए उन्होंने तरह तरह की कहानियाँ लिखी कविताएँ लिखी गीत लिखे और इन सारे गीतों में हमें अध्यात्म की झलक भी दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपनी बात दुनियावी तरीके से कही लेकिन उसके अंदर जो तत्व हैं वो हमें सूफी मत परंपरा के मिलते हैं। अमीर खुसरो की एक मसनवी है नूसपहर जिसने पहली बार दुनिया को ये बताया कि भारत सिर्फ स्नेक चार्मर्स यानी सपेरों का देश नहीं है बल्कि ये वो देश है जिस समय यूरोप में और वेस्ट में अंधकार था तब यहाँ पर साहित्य संगीत और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय यहाँ कायम हो चुके थे। तो मैं आपको अमीर खुसरो के इसी एक नूसपहर ग्रंथ से एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ पढ़ के जो उन्होंने हिकायत के नाम से लिखी है। अमीर खुसरो लिखते हैं कि ये करीब 1400 साल पुरानी बात है यानी अमीर खुसरो से भी 1400 साल पुरानी। मैं अमीर खुसरो दिल्ली से संबंधित ये कहानी आपको सुना रहा हूँ कि उस समय में अनंगपाल नाम का एक शासक था जो अपना अधिकतर वक्त अपने राजमहल में व्यतीत करता था। उसने अपने इस राजमहल के दरवाजे पर पत्थर के दो शेर बनाकर सजाए हुए थे अर्थात उसने न्याय के सामने शेर की जो प्रतिमा लगाई थी जो कि जानदार होती है वो न्याय का सूचक थी। उसकी उपमा इन पत्थरों से बने हुए दो शेरों के समक्ष आ सकती है। राजा अनंगपाल ने इन शेरों के बराबर में एक घंटा लटकाया हुआ था ताकि जो भी फरियादी न्याय चाहता हो वो वहां आए और घंटा बजा दे और इसकी खबर फौरन सम्राट के कानों तक पहुंच जाए। राजा इस घंटे की आवाज़ पर फौरन उधर आता था और फरियादी की फरियाद भली भांति सुनकर उसके साथ न्याय करता था। अकस्मात एक दिन एक कौवा उधर से आ निकला और वो उधर चक्कर लगाने लगा और उस घंटे पर आके बैठ गया। राजा अनंगपाल ने जब घंटे की आवाज़ के विषय में अपने दरबारियों से पूछताछ की तो पता चला
कि एक कौवे के घंटे पर बैठने से ये आवाज़ आ रही है। वो बार बार उड़ता है, घंटे पर बैठता है, घंटा हिलता है और आवाज़ आती है। राजा ने सोचा और कहा कि यह कौवा भी ज़रूर कोई फरियादी होगा। खाने की खोज में कौवे की जान पर बनी हुई थी, वो परेशान था, इसलिए कौवा भूख से तड़पता हुआ घंटे पर आकर बैठा था। क्योंकि सबसे बड़ा अत्याचारी तो ये पेट है, इसी के दुर्व्यवहार के कारण सारे प्राणी निर्बलता से ग्रस्त हो जाते हैं। यह बात ढकी छुपी नहीं है कि कौवा इतना साहसी भी होता है कि वो शेर के दांतों से अपना निवाला छीनकर अपने पेट की भूख भी मिटा लेता है और वो दिलेर हो जाता है। क्योंकि ये पत्थर के शेर जो सम्राट के राजमहल के दरवाजे पर बने हुए हैं, शिकार नहीं करते, कुछ खाते भी नहीं, इसलिए कौवे बेचारे को भी कुछ निवाला मिलना कठिन हो गया है। अब इन पत्थर के शेरों ने तो यह कहिए कि हमारे दरवाजे का मान नहीं रखा, क्योंकि वो कौवे को एक भी निवाला नहीं दे सकते। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम कौवे को उसका भोजन दें, कि हम एक प्रकार से उसके ऋणी हैं, कर्जदार हैं। सम्राट अनंगपाल ने फौरन आदेश दिया कि कुछ भैंसे बकरियां काटकर उनका मांस कौवे के लिए डाल दिया जाए कि वो फौरन आकर उसको खाए और अपना पेट भरे। न्याय करने वाले तो मनुष्य मात्र के साथ इसी प्रकार से न्याय करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी। आपने देखा होगा कि ये जो अमीर खुसरो ने एक छोटी सी लघु कथा लिखी है, ये हमारी पंचतंत्र की कथाएं जो कि संस्कृत में लिखी गई थी उससे बहुत मेल खाती है। और आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा और एक अच्छी अनुभूति भी होगी कि हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ पूरे विश्व में इतनी लोकप्रिय हुई कि अरबी भाषा में कलीला व दिमना के नाम से इनका अनुवाद किया गया। अब मैं आपको एक अमीर खुसरो का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ, जिससे ये आपको मालूम चलेगा कि वो ना सिर्फ एक उत्कृष्ट लेखक, साहित्यकार और संगीतकार थे, बल्कि अपने ज़माने के बहुत बड़े साउंड इंजीनियर भी थे। ये 13वीं सदी का वाक्या है जो कि हमें फारसी के कई ग्रंथों में मिलता है। किस्सा इस तरह से है कि एक बार अमीर खुसरो के गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह यानी मोनेस्ट्री में बैठे हुए उस ज़माने के मशहूर फारसी के कवि फिरदौसी का शाहनामा पढ़ रहे थे जो कि फारसी में है। फिरदौसी को फारस की दुनिया में वही दर्जा हासिल है जो हमारे यहाँ संत कबीर को, और उनकी किताबों को वो दर्जा है जो रामायण और महाभारत को भारत में है। तो जब वो ग्रंथ पढ़ रहे थे तभी अचानक अमीर खुसरो का आना हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन ने जब अपने प्रिय शिष्य अमीर खुसरो को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अरे खुसरो, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम ये शाहनामा पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, अब हम चाहते हैं कि तुम इसको ज़रा पढ़ के कुछ सुनाओ। तो अमीर खुसरो ने अपने गुरु से वो ग्रंथ लिया शाहनामा और उसे पढ़ने लगे। 10 मिनट के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को टोका और कहा कि अरे खुसरो, हमने तो तुम्हें शाहनामा पढ़ने को कहा था, लेकिन तुम ये क्या अजीब गरीब आवाज़ें निकाल रहे हो, शैतानी मत करो और चुपचाप ये शाहनामा पढ़कर हमें सुनाओ। तो अमीर खुसरो एकदम रुक गए और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हुजूर, आप मेरे उस्ताद हैं और मैं आपके साथ गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने कहा था, मैं तो शाहनामा ही पढ़ रहा हूँ। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि अच्छा, जो तुमने अभी शेर पढ़े हैं वो दोबारा पढ़ के सुनाओ। जब अमीर खुसरो ने वो शेर पढ़े तो फिर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तो फिर हज़रत निज़ामुद्दीन ने कहा कि अरे फिर तुम ये आवाज़ें निकाल रहे हो। उन्होंने ऐसा 10 बार दोहराया और 10 बार ही वो अजीब सी आवाज़ें निकली। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन को कैफियत हो गई, उनको एक्सटेसी हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए अमीर खुसरो से पूछा कि खुसरो, तुम ये बता सकते हो कि इन शेरों में फिरदौसी ने ऐसा क्या कमाल किया है कि हमें सुनकर कैफियत हो गई और हमने तुम्हें बार बार पढ़ने को कहा। अमीर खुसरो मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हुजूर, ये शाहनामा मैंने पूरा अभी तक नहीं पढ़ा और आज इस पृष्ठ पर मैं भी पहली बार पहुंचा हूं और मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि फिरदौसी जो कि फारस के इतने बड़े कवि हैं, वो अपने ज़माने के बहुत बड़े साउंड इंजीनियर भी थे। ये जो फारसी के शेर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें उन्होंने ये कमाल किया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो तरह तरह की साउंड्स होती हैं, आवाज़ें होती हैं,
उनको शब्दों में बांधकर फिरदौसी ने फारसी के शेर लिखे हैं, और जो भी इंसान इनको पढ़ेगा या जो गवैया इसको गाएगा उसके मुंह से वही आवाज़ निकलेगी। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने पंक्तियां अभी आपको फिरदौसी की पढ़ के सुनाई और जिसे सुनकर आपने शिकायत की कि तुम ये अजीबोगरीब आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, इसमें फिरदौसी ने ये कमाल किया है कि हमारे ज़माने की जो तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं जैसे चंग, डफ, नए, अलविन, कंगीरा, इन सब वाद्यों की इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनियों को फिरदौसी ने शब्दों में बांध कर ये फारसी के शेर और गज़लें लिखी हैं, और जो भी इन शेरों को पढ़ेगा या गाएगा उसके मुंह से उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें निकलेंगी। तो जब मैं आपको ये फारसी के शेर पढ़ के सुना रहा था तब वही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें निकल रही थीं। यह सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन बहुत खुश हुए और उन्होंने अमीर खुसरो से फरमाया कि अच्छा खुसरो, तुम भी तो इल्मे मूसीकी यानी म्यूज़िक और लिटरेचर साहित्य के बहुत एक्सपर्ट हो और कई ज़बानों के माहिर हो, अब तुम हमें इसी वक्त एक ऐसा फारसी का शेर बना के सुनाओ कि जिसके गाने से तुम्हारे मुंह से ढोल की आवाज़ निकले। ढोल की, ढोल उस ज़माने में भारतीय लोक साहित्य और संगीत का एक बहुत मशहूर वाद्य यंत्र भी है जो फोक सॉन्ग्स में हमें सुनने को मिलता है। अमीर खुसरो फौरन जो है वो ध्यान में बैठ गए और 15-20 मिनट के बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली और फारसी में एक शेर पढ़ के सुनाने लगे। जैसे वो शेर पढ़ते गए तो ऐसा महसूस हुआ कि उस मोनेस्ट्री में कहीं कोई ढोल बजा रहा है। इतने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का सबसे खास सेवक इकबाल, जो कि उनका रसोईया भी था, दौड़ा हुआ आया और बोला, हुजूर देखिए कि ये इस खानकाह में कौन ये ढोल बजाकर और आपकी शांति में खलल पैदा कर रहा है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि ढूंढो ढूंढो कहाँ है वो शैतान। लेकिन जब इकबाल को ऐसा कोई आदमी वहाँ नहीं मिला तो उन्होंने अमीर खुसरो की मुँह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो कहीं वो शैतान हमारे खुसरो तो नहीं। तो इकबाल ने क्या देखा कि अमीर खुसरो के मुंह से ढोल की आवाज़ निकल रही है, और यह देखकर उस खानकाह के सारे लोग दंग रह गए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस किस्से से कि अमीर खुसरो ने भी अपनी फ़ारसी की किताबों में, ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे फ़ारसी में शेर लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, कि आज अगर कोई सिंगर या गवैया उनको गाएगा और उसी राग और ताल में वो गाए जाएंगे जिसमें अमीर खुसरो ने रखे हैं, तो वो साउंड्स जो उन्होंने शब्दों में उस ज़माने में कैद की थी वही उस गवैये के मुंह से निकलेंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे बॉलीवुड के जो मशहूर संगीतकार हुए हैं आर.डी. बर्मन साहब, उन्होंने बचपन में जिन लोगों से संगीत सीखा था वो अमीर खुसरो के कव्वाल बच्चे घराने से थे, और वहीं से आर.डी. बर्मन ने ये अमीर खुसरो की साउंड इंजीनियरिंग सीख ली थी। और जब बाद में वो फिल्मों में म्यूज़िक देने लगे तो उन्होंने इसी 13वीं शताब्दी की जो साउंड इंजीनियरिंग का कमाल अमीर खुसरो ने किया था उन्होंने अपने गीतों में किया, विचित्र ध्वनियाँ निकालकर। और देखिए कि कैसे आज एक इतना पुराना कवि और संगीतकार आज भी जीवित है कि उससे प्रेरित होकर आर.डी. बर्मन ने अपने गीतों में वही साउंड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया और वो सारे तमाम म्यूज़िक डायरेक्टरों से एकदम अलग हो गए। अभी जो आपको मैंने अमीर खुसरो के जीवन का एक रोचक और दुर्लभ किस्सा सुनाया, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और उससे उनकी प्रतिभा के बारे में भी आपको काफ़ी अंदाज़ा हुआ होगा। देखिए कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ और उनका स्वर्गवास 1325 में, तकरीबन 800 बरस हो गए हैं। और देखिए कैसे आज भी अमीर खुसरो हमारे बीच जीवित हैं, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ बरस पहले सेंट्रल एशिया के दौरे पर थे और वहाँ वो गए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति साहब से मिलने। तो जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से कहा कि मैं भारत से आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। तो राष्ट्रपति साहब ने कहा कि लाइए दिखाइए। उन्होंने जब वो तोहफा खोला तो वो देखकर बड़े हैरत हो गए कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने उनको अमीर खुसरो का खमसा भेंट किया था जो कि उन्होंने 13वीं शताब्दी में लिखा था। और ये देखकर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद दिया कि आपको ये कैसे पता चला कि उज्बेकिस्तान के लोग अमीर खुसरो से इतना प्यार करते हैं उनकी फारसी शायरी की वजह से। और खुद अमीर खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद
जिनके नाम से उत्तर प्रदेश में आज भी एक छोटा सा कस्बा है सैफई। अब मैं आपको ये पुस्तक है जो मैंने 2016 में लिखी थी, अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व, और इसमें मैंने अमीर खुसरो का जो जीवन परिचय दिया है वो फारसी के कई ग्रंथों के अनुवाद और तकरीबन 50 लाइब्रेरियों के अध्ययन के बाद मैंने तैयार किया है। जब मुझे 2013 में एक रिसर्च फेलोशिप आगा खान फाउंडेशन दिल्ली से मिला था, तो इसी किताब से अमीर खुसरो के जीवन का एक बहुत ही रोचक किस्सा और कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, और उससे आपको ये पता लगेगा कि अमीर खुसरो जो हैं उनका उनकी जो शख्सियत है और उनका जो व्यक्तित्व है वो कितना निराला था और उनकी सोच कैसी थी और वो आम लोगों से मिलकर कितने प्रफुल्लित हो जाया करते थे। तो आइए सुनते हैं ये किस्सा। अमीर खुसरो के जीवन का जो किस्सा और कहानी मैं आज आपको इस पुस्तक से पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है अवध में अमीर खुसरो के 2 साल और भगवान श्री राम। सुल्तान ए दहली कैकुबाद ने सुल्तान बलबन के चचेरे भाई खाने जहां अमीर अली सर जामदार उर्फ हातिम खां को अवध प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया। इन्होंने खुसरो को आदर और सम्मान के साथ अपने दरबारियों में शामिल किया। ये अपने नेक स्वभाव और अच्छे व्यवहार के कारण बहुत लोकप्रिय थे। खुसरो सन 1286 में खान अली सरजानदार उर्फ हातिम खां के साथ अवध गए। अमीर खुसरो 2 साल इनके साथ अवध में रहे। अमीर खुसरो अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, मैं सूर्य यानी हातिम खां की किरणों की तरह हूँ। मैं अपने घर दिल्ली नहीं लौट सका और अवध में रहने के लिए इनका बहुत आभारी हूँ। अद्वितीय और बेजोड़ मलिक अपने गवर्नर नियुक्त होने के आदेश पत्र को लेने के लिए शाही घुड़सवारों के साथ अपनी कमर कस के दिल्ली चल दिए और मुझे अवध भेज दिया। यह बारिश का मौसम था। मुझे एक ऐसे वक्त लंबी यात्रा करनी पड़ी जब बारिश सबसे ज़्यादा तेज हो रही थी। अपने दोस्तों से बिछड़ने के कारण मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे और सहानुभूति में बादल भी देखो मेरे साथ रो रहे थे। पानी से पैदा हुई कीचड़ में मेरे घोड़े के पैर लड़खड़ा रहे थे और आकाश में बिजली उपहास में मानो हंस रही थी। इस उदास दुर्दशा में आखिर 2 महीने के लंबे सफर के बाद मैं अवध पहुंचा। अमीर खुसरो अवध जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी गम में अमीर खुसरो ने एक फारसी में गजल लिखी, अब्रमी बौरदुमन मी शवम मस्यार जुदा, चूकुनम दिल व चुनी रोस व दिलदार जुदा। यानी सावन की झड़ी लगी हुई है और मैं अपने यार यानी दिल्ली शहर से देखो जुदा हो रहा हूँ। अमीर खुसरो को अवध में दिल्ली और अपने दोस्तों की याद सताती थी, अपनी माँ की याद जिन्हें वो पीछे छोड़ आए थे। अपने दोस्त ताजुद्दीन जाहिद को अवध से लिखे एक लंबे मसनवी नुमा खत फिराकनामा में वो कहते हैं, जब मैं तुमसे बिछड़ा तो मानो रोशनी से उसकी परछाई दूर हो गई। मैंने अपना अवध का सफर अपनी आंखों में आंसू बहाते हुए तय किया। दिल में दर्द और आंखों में आंसू थे। सामने रास्ता था लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मैं चलता गया लेकिन मेरा दर्द और बढ़ता गया। जितनी तेजी से मेरे पैर चल रहे थे उससे ज्यादा कहीं मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दुख के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं और मैं खुद को नाकामयाब सा महसूस कर रहा था। मैं सारी यात्रा भर शाही फौज के साथ हर पड़ाव पर लगातार रोता रहा, जब तक कि 2 महीने की लंबी सफर के बाद मैं सुल्तान के साथ अवध ना पहुंच गया। अवध का शहर बेशक बहुत आकर्षक है लेकिन तुम्हारे यानी दिल्ली के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अवध एक खूबसूरत बगीचा है जहां एक व्यक्ति खुशी और संतुष्टि से रह सकता है। इसकी जमीन पृथ्वी का गहना है और इसका वातावरण खुशी से भरपूर है। सरयू नदी इसके किनारे बहती है। यहाँ फूलों और मदिरा की बहुतायत है। यहाँ के वृक्षों की टहनियाँ अपने फलों के बोझ के कारण
जमीन की ओर झुकी हुई हैं। यहाँ अंगूर, नींबू, अनार, संतरे, आम और बहुत से मीठे और रसीले फलों की भरमार है, जैसे केला जो दिमाग को चुस्त कर देते हैं। यहाँ के बागों में ऐसे फूल हैं जो सदा खिलते हैं, हवा सदा चिड़ियों की उदास, मधुर और मीठी आवाज़ से गूंजती रहती है। बागों में मुलसरी, चंबा, जय जूही के फूल भरे पड़े हैं। यहाँ चांदी की बर्छी की तरह केवड़े का फूल है, जिसके आगे गुलाब का फूल अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है। यहाँ हर प्रकार के इत्र और मसाले हैं, चंदन, एलोए वुड, अंबर, मुस्क, कस्तूरी, काफुर और लौंग। ऐसे वस्त्र यहाँ मौजूद हैं जो बीती जिंदगी को दोबारा वापस ले आए। यहाँ शरीर के आभूषण मानो ज्वार के खूबसूरत तोहफे हैं और शरीर पर इतने हलके से बैठते हैं मानो कंद पुष्प या नलिनी नामक चमकीले फूल के पौधे पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है या सुबह के खिले गुलाब पर ओस की बूंदें गिरती हैं। अवध के लोग अतिथिशील, सत्कारशील, कम क्रोध वाले, सुशील और शिष्ट, निष्ठावान और उदार और दानी है। गरीब और अमीर दोनों संतुष्ट हैं, खुश हैं और अपनी कला या व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। इन सबसे बढ़कर यहाँ का गवर्नर महान मलिक विजयी खान अली बिन ऐबक के जहान हातिम खां अपने साथियों को हातिम खां कसीदों के बदले मूल्यवान मोतियों के तोहफे देते हैं। मुझ पर वे विशेष रूप से दया रखते हैं और इसी तरह खुशी के किसी सामान की मेरे लिए कमी नहीं और ना मैं किसी चीज़ का मोहताज हूँ। यहाँ खान की अनुकंपाओं ने प्रदेश को ऐसा मनोहारी बना दिया है कि मैं अमीर खुसरो अपना घर भूल गया। यहाँ 2 साल का समय जो मैंने यहाँ अवध में गुजारा वो धन दौलत के लालच की वजह से नहीं बल्कि केवल अपने स्वामी हातिम खां के उत्साहवर्धन के विचार से गुजारा। मेरी वृद्ध माँ दिल्ली में थी और मुझे बहुत याद करती थी और मेरी जुदाई के दुख से बेचैन होकर मुझे बार बार वापस आने के लिए खत लिखती रहती थी। मेरा दिल भी बराबर उसकी याद में बेचैन रहता था। कुछ समय तक मैं अपने दुख को चुपचाप सहन करता रहा, लेकिन जब मुझ में सहन करने की शक्ति ना रही और मेरा शोक बेकाबू हो गया, तब मैंने अपना हाल हातिम खां के सामने एक प्रार्थना के रूप में लिखकर पेश किया। हातिम खां ने अपने दयालु स्वभाव के अनुसार मेरी मजबूरी को देखा और फिर खुशी खुशी मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। सफ़र खर्च के लिए उसने मुझे 2 किश्तियाँ सोने के सिक्कों से भरी हुई दीं और इस तरह उसके एहसान के आभार से अपने दिल को भरकर मैंने यात्रा शुरू की। अपनी माँ, दोस्तों और गुरु को देखने की चाहत मुझे अपने अलबेले शहर दिल्ली खींच कर ले जा रही थी। मेरी आँखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने रास्ता यूँ तय किया जैसे कोई तेज तीर हवा में जा रहा हो। मैंने 1 माह तक कहीं भी विश्राम नहीं किया, यहाँ तक कि मैं ईद के चांद की तरह खुशी खुशी जीकात के महीने में दिल्ली पहुँच गया। गुलाब की तरह हंस हंस कर मैंने अपनी भूखी निगाहें अपने प्रिय चेहरों पर डाली। दोस्तों को देखने का शौक पूरा हुआ और दिल की हर इच्छा पूर्ण हुई। मैंने कृतज्ञ आँखें मोहब्बत से अपनी मेहरबान माँ के कदमों में रख दी। मेरी माँ, जिन्हें मेरी जुदाई ने बीमार और कमज़ोर कर दिया था, स्नेह और वात्सल्य के चेहरे से नकाब उलट दी उन्होंने और मुझे अपने गले लगाकर खुशी के आंसू बहा दिए। उनका दुखी हृदय अब खुश और संतुष्ट हो गया और जो जो मन्नतें उन्होंने मान रखी थी वो सब पूरी हुई। अमीर खुसरो ने मसनवी अस्पनामा अमीर हातिम अली खां के लिए लिखी। अमीर खुसरो को अवध का इलाका बहुत ही पसंद आया। इसकी तारीफ में उन्होंने कई पृष्ठ लिखे हैं। खुसरो द्वारा अपने दोस्त ताजुद्दीन जाहिद को दिल्ली से जुदाई और अवध की तारीफ में लिखा खत उनकी मसनवी फिराकनामा में मौजूद है। इसकी एक दुर्लभ पांडुलिपि
तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की सुलेमानिया लाइब्रेरी में मौजूद है। डॉक्टर वहीद मर्जा के अनुसार यह अमीर खुसरो के तीसरे दीवान गुरुतुल कमाल का हिस्सा है, लेकिन हिंदुस्तान में मौजूद दीवान गुरुतुल कमाल की पांडुलिपियों में मसनवी फिराकनामा हमें नहीं मिलती। प्रोफेसर अमीर हसन आबदी के मुताबिक ऐसा लगता है कि यह एक पूरी तरह से पूर्ण मसनवी है और अपने पारंपरिक अंदाज में लिखी गई है। इसका सबूत यह है कि खुसरो ने इसकी शुरुआत में इसके लिखने के महीने, तारीख, वर्ष के साथ साथ दिन के समय की जानकारी भी दी है। मसनबी फिराकनामा मंगलवार की रात 16 रजब सन 1278 ईस्वी को लिखी गई। मसनबी की शुरुआत खुदा की तारीफ में हम्द और पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ में नात से हुई है। अवध का दूसरा नाम अयोध्या है। अमीर खुसरो को अवध का वातावरण बहुत पसंद आया था। पेड़ों की आड़ से झांकता सुबह का लालीमय सूरज, सरयू नदी में पड़ती सूरज की किरणें, चहचहाती हुई चिड़ियां, बुलबुलें, छटा बिखेरती हरियाली, मंदिरों में बजती मधुर घंटों की आवाज़ें, अवध का सुरीला संगीत, भजन और सबसे ज़्यादा इष्ट भगवान श्री राम को पुकारते भक्तजन। पटियाली के एक शोधकर्ता ईसार मियां ने कहा कि जब अमीर खुसरो अवध यानी अयोध्या घूमने निकले तो वहां के आम लोगों ने यह कहकर उनका स्वागत किया कि भगवान श्री रामचंद्र की नगरी में आपका स्वागत है, आप खुश रहें। यह सुनकर अमीर खुसरो खुशी से गदगद हो गए। उस वक्त अवध का दारुल खिलाफा यानी राजधानी राम की नगरी अयोध्या ही थी। यह बाद में फैजाबाद और फिर लखनऊ बनी। अमीर खुसरो श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए बड़े गर्व और खुशी से फरमाते हैं कि अयोध्या जीनत अस्त किश्वरे बर जमीन, यानी अयोध्या की ज़मीन इस दुनिया के लिए स्वर्ग के समान है और जो भी शख्स यहाँ से गुजरता है सरयू नदी की रवानी, उसका बहाव देखकर उसकी सारी जिंदगी की प्यास और थकान मिट जाती है। खुसरो अवध में 2 साल रहे। इन 2 सालों में उन्होंने यहाँ रहकर अपनी मसनवी फिराकनामा और अस्मनामा पूरी की। इसमें अमीर खुसरो ने कुल 240 शेर लिखे। इनमें से 180 शेर सिर्फ भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की तारीफ में लिखे गए हैं। शायर अमीर खुसरो हिंदुओं के पूजनीय भगवान श्री राम और उनकी नगरी अयोध्या की तारीफ दिल खोल कर करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग कट्टरपंथी हैं वो अवध के नागरिकों से पूजने का तरीका सीख लें। खुसरो जब ज़्यादा भावावेश में आ जाते हैं तो कहते थे कि अयोध्या नगरी में जो पूजा करने का तरीका है, इससे उन्हें लगता है कि इस ज़मीन पर अटूट और अटल विश्वास के लोग रहते हैं। इस पवित्र शहर में हर 50 कदम पर जो मंदिर बने हैं उनमें जब एक साथ हजारों लाखों घंटों की आवाज़ें गूंजती हैं, बजती हैं और लाखों कानों में वो सुर घोलती हैं, तो ऐसा लगता है कि परवरदिगार या पालनहार को भी ये राम की नगरी बहुत भाती है। जैसे परमात्मा रोज़ाना सुबह यहीं पर उतरकर सुबह होने का ऐलान करते हैं। खुसरो मंदिरों में जाते और पूजा करते भक्तों को निहारते हैं और घंटों मंदिरों के पुजारियों से अवधी भाषा का ज्ञान लेते और अवध की तहजीब को समझते हुए राममयी संस्कृति का मज़ा उठाते हैं। कट्टरपंथी मुल्ला उन्हें मूर्ति पूजक कहने लगे थे। तब खुसरो ने डंके की चोट पर उन कट्टरपंथियों को जवाब दिया था। उन्होंने कहा, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, हर रगे मंतार गश्ता हाजते जुन्नार नीस्त। मसनवी अस्पनामा में अमीर खुसरो आगे फरमाते हैं, मैं बुत परस्ती मूर्ति पूजा करता नहीं हूँ, उसमें डूब जाता हूँ, परंतु एक बेजान पत्थर पर हिंदुओं का अटूट विश्वास और फिर उसमें एकाग्रता पैदा कर पूजा करने का तरीका मुझे बहुत भाता है। भारत के सांवले सलोने लोगों का श्याम वर्ण, जो सारी धरती पर सबसे खूबसूरत रंग है,
बेमिसाल है, उसका कोई जवाब नहीं। ये श्यामल रंग भारतीय देवी देवताओं का प्रतीक है, उनका सौंदर्य इसी से है। श्री कृष्ण, राम, काली आदि सभी देवी देवता श्यामल वर्ण के हैं, इससे खूबसूरत रंग और क्या हो सकता है। श्याम वर्ण श्री राम और सीता की यह अनुपम जोड़ी जब लक्ष्मण के साथ वनवास में होगी, तब नीला आसमान भी इस खूबसूरत जोड़े की तारीफ करता होगा। परिंदे, चिड़ियां इनकी सुंदरता के नगमे और तराने गाती होंगी। जंगल का हर फूल राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर शर्मा जाता होगा। बादल इनके साथ साथ छांव करता हुआ चलता होगा। जमीन इनके रास्ते साफ करती होगी और कहती होगी कि ऐ कांटों, ईंट, पत्थरों और तकलीफ देने वाली हर चीज, उस रास्ते से फौरन हट जाओ, क्योंकि रूए जमीन पर अमन और शांति और मोहब्बत का पैगाम लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं। अमीर खुसरो ने अयोध्या की लोचदार संस्कृति की तारीफ मसनवी फिराकनामा और अस्पनामा में की है। वहां के बने मंदिरों की इमारतें खुसरो को बहुत भाती हैं, खूबसूरत लगती हैं। खुसरो कहते हैं कि इन मंदिरों के ऊंचे ऊंचे गुंबदों से आसमान छूकर धन्य हो जाता है। श्री राम और उनकी अनुपम नगरी अयोध्या से अमीर खुसरो इतने प्रभावित हैं कि वो बार बार फारसी में शेर गुनगुनाते हैं। शोखिए हिंदू बबी का दिन बबुस हर खासो आम, शोखिए हिंदी बबी कु दिन बबुद अज खासो आम, राम मन हर गिस न शुद्ध हर चंद गुफ्तम राम राम। यानी हर खास और आम व्यक्ति यह बात भली भांति समझ ले कि भगवान श्री राम इस सरजमीन हिंद यानी हिंदुस्तान की एक शोक और शानदार शख्सियत हैं। राम तो मेरे मन, मेरे दिल में बसे हैं, वो मुझसे हरगिज अलग ना होंगे, और मैं जब भी बोलूंगा तो बस राम राम बोलूंगा। इस शेर का एक दूसरा रूप भी हमें मिलता है, राम इंसान हरगिज शुद्ध गुफ्तम की हर चंद राम राम। यानी राम का नाम हर इंसान के लिए शुद्ध और पवित्र है, इसलिए हर समय बात करते हुए हमें राम राम कहना चाहिए। मसनवी अस्पनामा में अमीर खुसरो श्री राम की पूरी जिंदगी को अमल पहम यानी निरंतर लगातार अपनाने योग्य मानते हैं, इसे प्रयोगात्मक जीवन भी कह सकते हैं हम। खुसरो कहते हैं कि अयोध्या में राम की तर्ज अकीकत, तर्ज तरीकत यानी आत्मशुद्धि, दिल की पाकीजगी या आध्यात्म की पद्धति या ढंग आज भी जिंदा है। जहां मान मर्यादा, माता पिता का वचन, आदेश, भाभी की इज्जत, बड़े भाई का लिहाज, बुजुर्गों की देखभाल, जनता की मर्यादा, राजशाही का बंधन, अमीर गरीब का समागम, राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम पैगंबरीय शख्सियत के वक्त में ही हो सकता है। जहां हर एक अमीर और गरीब दोनों ही अपने आप को धन्य मानते हैं। अपने तीसरे दीवान गुरुतुल कमाल में ऊपर वाले से दुआ करते हुए खुसरो लिखते हैं कि ऐ रब, तू मुझे राम की नगरी जैसी तहजीब दे दे और भगवान श्री राम जैसा अखलाक यानी शिष्टाचार और मोहब्बत दे, जिससे मैं इस नापायदार खत्म होने वाली दुनिया में अपने अमल से हर गरीब और अमीर में मशहूर हो जाऊं और तुर्की तहजीब में, फारसी तहजीब में अयोध्या की तहजीब को मिला दूं, उसका मिश्रण कर दूं, ताकि मेरा वतन हिंदुस्तान सदा खुशहाल रहे। अपनी अजीज माँ माया देवी यानी सैयदा मुबारक बेगम की तरह मैं अपने वतन की मोहब्बत में डूबकर जब इस दुनिया को छोड़ूं, तो भगवान राम की नगरी की खूबसूरती अपने दिल में बसाकर अपने गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कदमों में ज़िंदगी की आखिरी सांसें लूं। फारसी के मशहूर शोधकर्ता डॉक्टर ज़ोए अंसारी के शब्दों में अमीर खुसरो लिखते हैं, वाह क्या शादाब सरजमीन है ये अयोध्या की, दुनिया जहान के फल फूल मौजूद, कैसी अच्छी मीठी बोली के लोग, मीठी और रंगीन तबीयत के इंसान, धरती खुशहाल, जमींदार मालामाल। अम्मा का खत आया है, मुझे याद किया है,
दो महीने हुए पांचवा खत आ गया, अवध से जुदा होने को मेरा जी तो नहीं चाहता, मगर दिल्ली मेरा वतन, मेरा अलबेला शहर, और फिर सबसे बढ़कर माँ का साया, जन्नत की छांव, उफ़ो, 2 साल निकल गए मेरे अवध में, भाई बहुत हुआ, अब तो मैं चला, हातिम खां, दिलो जान से तुम्हारा शुक्रिया, मगर मैं जा रहा हूँ, जरो माल पाया, लुटाया, खिलाया, मगर मैं अब चला, वतन बुलाता है, मेरी जमीन मुझे पुकारती है, अब तक अमीर खुसरो की भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के अलावा लाहौरी, मुल्तानी, सिंधी, सरायकी, पंजाबी भाषाएं ही थीं, लेकिन अवध से लौटने के बाद अमीर खुसरो की हिंदवी शायरी में अवधी की चाशनी भी आ गई थी। अमीर खुसरो की इसी भाषा से हिंदी के भावी व्यापक स्वरूप का आधार तैयार हुआ, जिसकी सशक्त नींव पर आज की परिनिष्ठित हिंदी भाषा खड़ी है। तो मित्रों, अमीर खुसरो का अयोध्या का ये रोचक किस्सा कहानी जो है समाप्त हुआ, और कुछ मेरी ज़बानी और कुछ अमीर खुसरो की ज़बानी मैंने इसे आपके सामने पेश किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद ही नहीं आया होगा, बल्कि आपके दिल में उतर गया होगा। और मैं CCRT के समस्त परिवार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लेखकों को एक मंच प्रदान किया और कुछ ऐसी बातों को कहने का कि जो आम जिंदगी में आम लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो लोग रिसर्च नहीं करते, और उन लोगों तक बातें शोधकर्ताओं और लेखकों के माध्यम से और उनकी किताबों से पहुंचती है। धन्यवाद।